नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की डेम्पियरगा में स्थापित की गई प्रतिमा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर उनके 299वीं जयंती पर्व पर सामाजिक विचार विमर्श एवं लोकमता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर समाज को संगठित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने समाज को उन्नति के पथ पर ले जाना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राकेश बघेल पूर्व पंचायत अध्यक्ष आगरा ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव समिति द्वारा ब्रिज में जिस तरह से ये कार्यक्रम किया गया है उसका प्रदेश और देश में संदेश जाएगा। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने हिंदुत्व संतन धर्म की रक्षा के साथ साथ राज्य और धर्म की रक्षा की, हम उनकी संतान है, हमें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे समाज को जागरूक हो सके। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर यशपाल बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिल्याबाई धनगर महासभा, विशिष्ट अतिथि गणों में विधायक प्रेमपाल टूंडला, प्रेमपाल धनगर, पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष रालोद नरेंद्र बघेल, पूर्व जिलाध्यक्ष अलीगढ़ मूलचंद बघेल, पूर्व प्रमुख राकेश धनगर, राजवीर बद्धेल आदि ने भी समाज के उत्थान के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव समिति के आयोजक एवं अध्यक्ष सुभाष पाल ने कहा कि लोकमाता के 299वीं जयंती एवं मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थापित की गई प्रतिमा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के 20वें स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया जिससे समाज को दशा और दिशा मिले, समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राकेश बघेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा, डॉक्टर यशपाल बघेल पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, नरेंद्र बघेल, मूलचंद्र बघेल, राकेश धनगर, राजवीर बघेल, दिनेश बघेल, दीपक बघेल, पवन बघेल, संजय वकील, सुरेश वकील, संजय प्रधान, सतीश बघेल, श्रीपाल पूर्व पार्षद, प्रदीप पार्षद, राधा देवी प्रधान, ओम प्रकाश बघेल प्रधान, राजकुमार बघेल प्रधान, गिल्ली प्रधान, ओम प्रकाश बघेल, प्रीतम बघेल, रूपा बघेल प्रधान। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता रघुवीर बघेल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक उन्होंने अपने इस होटल को नहीं आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हम आगे पिछड़ते चले जाएंगे, तो हमारा समाज भी फिर से पीछे ही रहने के उस पर रहेगा। तो आप यही मैं कहना चाहूंगी उन्हीं शब्दों के साथ में अपने मातेश्वरी जिनका एक हिस्टोरिकल इतिहास है और यहाँ के लोगों में जनचेतना जागृत करने के लिए मूर्ति नहीं लगवाई लेकिन मूर्ति के लिए जगह की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई, और मूर्ति और जगह की उपलब्धता के साथ साथ उसको डेवलपमेंट भी कराया, और डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें और जो चीजें थी उसकी भी स्थापना की गई और जनचेतना पूरे देश में निकाली गई। यहाँ के तमाम दोस्त मित्रों को हम साधुवाद देते हैं जिनके सहयोग से ही मूर्ति की स्थापना हुई, जगह की स्थापना मिली। बहुत लोगों से विवाद भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, लेकिन तब से मातेश्वरी के बारे में लगातार प्रतिवर्ष वहां स्थापना दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उनके गीत गाए जाते हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, और यही एक मंत्र है, यही एक माध्यम है
जो इस महातेश्वरी अपने वंशजों को एकत्रित करके राजनीति में भी हिस्सेदारी दिला सकती है। और इसी के लिए मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन सारे मित्रों को, दोस्तों को, अहिल्या बाई होलकर के वंशजों को, जो अपनी गाथाएं गाते हुए और एक आगे बढ़ रहे हैं, कारवां बनाते जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक न एक दिन इनका झंडा बुलंद होगा। ये मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर की जयंती का भव्य कार्यक्रम मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर महोत्सव समिति के इस अध्यक्ष जी को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। जिस तरीके से ये मथुरा में एक कार्यक्रम, ऐसी ब्रज नगरी में कार्यक्रम किया है, इससे संदेश पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहुंचेगा। निश्चित ही वो मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर हैं जिन्होंने हिंदुत्व को जगाने का काम किया, राष्ट्र का और धर्म का रक्षा करने वाली वो मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर हैं। उनके हम सब लोग वंशज हैं। ये हमारे पास मेरे बाई ओर खड़े हुए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष बघेल जी, हमारे DC वर्मा जी, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। ऐसे भव्य कार्यक्रम कराकर आप ये मातेश्वरी का नाम पूरे देश में, प्रदेश में करते हैं, विश्व में जाता है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई और धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।